बता दें कि एशिया कप का पहला संस्करण पहला सीजन 1984 में खेला गया था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत दक्षिणी एशियाई पड़ोसियों के बीच क्रिकेट संबंध और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। पहले संस्करण यानी कि पहले सीजन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में शारजाह में किया गया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने शिरकत की थी और भारत ने इसको जीता था। एशिया कप का दूसरा संस्करण 1986 में श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती। भारत ने श्रीलंका के गृह युद्ध के कारण एशिया कप का बाइकाट किया था। उस वक्त श्रीलंका का सुरक्षा बलों और लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के बीच खूनी संघर्ष चरम पर था। ऐसे में भारत सरकार श्रीलंका जाने वाले भारतीय क्रिकेटरों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। बताया जाता है कि भारतीय खिलाड़ी भी वहां जाने से नाखुश थे, क्योंकि 1985 में भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान विवाद हुआ था। बांग्लादेश में 1988 में एशिया कप का तीसरा संस्करण खेला गया, जिसमें पहली बार 3 से अधिक टीमों ने शिरकत की। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को धूल चिटाई। टूर्नामेंट का चौथा संस्करण 1990 भारत में हुआ, जिसका पाकिस्तान ने बायकॉट किया। पाकिस्तान ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते हुए ऐसा किया था। भारत ने 1999 में आखिर में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसी दौरे पर सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल डेब्यू किया था, लेकिन 1990 में दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच खराब राजनीतिक संबंधों के कारण 1993 में एशिया कप रद्द कर दिया गया था।